गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग हाँ जी, कल हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर जर्नल। कोई प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में? समझ में आया सबको? चालू करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 9.8। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। तो जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स, जर्नल का फॉर्मेट बनवाओ फटाफट। कितने कॉलम बनाऊं? सर फाइव। नहीं बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। बताओ फर्स्ट कॉलम का क्या टाइटल दूं? डेट। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। बुक में देख के मत बोलना, खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो दुनिया के साथ ऑनेस्ट रह पाओगे। थर्ड कॉलम। लेजर फोलियो। फोर्थ कॉलम। अमाउंट डेबिट। अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट और रुपीस के साइन। इन चीजों में से अगर आपने कुछ भी मिस किया ना तो नंबर्स कटेंगे आपके, नॉट ओनली इलेवेंथ इन ट्वेल्थ क्लास आल्सो। ध्यान रखना इस चीज को, राजस्थान बोर्ड बख्शता नहीं है अगर आपने फॉर्मेट में जरा सी भी कमी की तो। अब क्वेश्चन है आपका यशराज एंड सन्स का, ईयर है आपका 2020, तो सबसे पहले लिख देते हैं 2020 और अप्रैल 7th को फर्स्ट एंट्री होनी है, तो अप्रैल 7th। देखो, सोल गुड्स फॉर कैश 13,000, कैश बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं तो कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। बोलो एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी वो बच्चा बोलेगा कि सर ये एंट्री क्या रूल लगाया हमने, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, दैट इज व्हाई डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। और यहां पर दूसरा अकाउंट जो आइडेंटिफाई किया हमने ट्रांजैक्शन में वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नरेशन लिखोगे और लाइन ड्रॉ करोगे। किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करने के बाद किसी भी नरेशन में आपको लिखने में प्रॉब्लम है कि सर नरेशन में क्या लिखेंगे, तो पूछ लेना मेड से। अदरवाइज मैं ये मान के चलूंगा कि नरेशन आप लिखना सीख गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9th। सोल गुड्स टू महेश 15,000, क्या फॉर कैश लिखा है? आंसर इज नो, यानी ये क्रेडिट सेल्स है। महेश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है ना? तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है और जो भी हम गुड्स सेल्स करते हैं या सर्विसेज हम रेंडर करते हैं तो हम अपनी सेल्स बुक करते हैं, और सेल्स क्या होती है? रेवेन्यूज होती हैं। तो जो रूल इनकम और प्रॉफिट्स पे लगते हैं वही रेवेन्यूज के ऊपर भी लगेंगे। सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। 15,000 इज द अमाउंट। क्लियर?
नरेशन लिख लोगे? यस देखो बोलने में कितनी दिक्कत होती है, हमें मुंह खोलना पड़ेगा, हमें आवाज निकालनी पड़ेगी गले से, कितनी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को बोलने में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। भाई महेश हमें कैश क्यों दे रहा है? क्योंकि 9th of April को हमने उसको गुड सेल की थी क्रेडिट बेसिस पे, तो अब हमें वो 10,000 का पेमेंट कर रहा है। कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसने किया? महेश ने, क्रेडिट द गिवर, तो टू महेश अकाउंट, या टू महेश भी लिखेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। 10,000, 10,000। बोलो नरेशन लिखूं क्या या लिख लोगे? सर एक बार इसके नरेशन दे दीजिए। थर्ड एंट्री की? यस सर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, जो अच्छी लगे वो लिख लो। उसके बाद 18th of April सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश लिख दिया उसने साथ में, यानी ये कैश सेल है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 12,600 and 12,600। बोलो नरेशन लिख लोगे? यस सर। आज के बाद क्लास में जो लेट आएगा वो कुछ ना कुछ खोएगा, जो जल्दी आएगा वो पाएगा, जो लेट आएगा वो खोएगा। तुम लोगों ने उल्टे सिस्टम कर रखे हैं कि सर हमारा वेट करेंगे, हम लेट जाएंगे सर हमारा वेट करेंगे और हम अपने मन से क्लास में एंटर होंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब 19th of April सोल गुड्स टू सुरेश, सोल गुड्स टू सुरेश। सर एक प्रॉब्लम हो रही है हमें। क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? कि सर ये है ना फिगर्स इतने पास पास लिखे हुए हैं, कई बार हमारे से ये हो जाता है, हम पढ़ते तो ये हैं कि सोल गुड्स टू सुरेश और अमाउंट हम या तो पहली वाली ट्रांजेक्शन का देख लेते हैं या फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का देख लेते हैं। तो बेटा मार्केट में स्केल मिलती है, हालांकि ये स्केल नहीं है, ये तो बुक मार्क है। आप स्केल यूज करोगे एग्जाम के अंदर और कैसे काम करोगे? जैसे ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई इसके ऊपर ऐसे स्केल रखो अपनी, सोल गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो देखो सामने 12,600 दिखेगा। और अगर आप अभी हमने जो ट्रांजेक्शन कौन सी पढ़ी, अभी तो सोल गुड्स टू सुरेश फॉर कैश पढ़ी थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमने लिख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल गुड्स टू सुरेश, तो यहां पर आप ऐसे इसके नीचे स्केल रखोगे तो सामने आपको बिल्कुल 7,000 दिखेगा। दिख रहा है क्या? लगा के देखो स्केल। Yes, sir. तो एग्जाम के अंदर स्केल जरूर लेके जाना, वैसे तो आप लेके जाओगे क्योंकि ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल की जरूरत है ना? स्केल की जरूरत पड़ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए अब स्केल की जरूरत पड़ रही होगी। धीरे धीरे हैबिट आएगी, धीरे धीरे जब आप रफली वर्क करते हो, यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तब आप स्केल एक साइड कर दो और हाथों से लाइन ड्रॉ करो। धीरे धीरे देखना वो लाइंस सीधी आने लगेंगी, एक बार तो टेढ़ी जाएंगी, जैसे डेबिट की लाइन खींच रहे हैं ऐसे जाके ये ऐसे हो जाएगी। कोई बच्चा कहेगा सर हमारी तो इस तरफ जा रही है, ऐसे हो रहा है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, हैबिट डेवलप हो जाएगी। प्रैक्टिस करोगे ना रफ रजिस्टर के अंदर तो धीरे धीरे ये लाइंस जो है वो सीधी आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया, स्केल लगा के सामने का फिगर देखो, आपको एग्जैक्ट फिगर दिखेगा। और अगर आप ऐसे जैसे अभी मैं करा रहा हूँ क्लास के अंदर, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो गलतियां होने के चांसेस हैं। कई बार ये होता है जैसे हमने 24th अप्रैल की तो ट्रांजेक्शन पढ़ ली और जो अमाउंट ले लिया वो या तो 19th अप्रैल का ले लिया या 29th अप्रैल का ले लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल बोल रहा हूँ मैं। 24th अप्रैल को लिख रखा है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट हमने ले लिया 19th अप्रैल वाला 7,000 या 29th अप्रैल वाला 450। पॉसिबल है, होंगी ये गलतियां और कई बच्चों से होंगी, इसलिए कह रहा हूँ स्केल यूज करो। ठीक है,
तो 19th अप्रैल का अमाउंट है 7,000 और ये है आपकी क्रेडिट सेल, ठीक है ना। यस सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट क्या है? 7,000 रुपीज। बोलो, नरेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? सर। लाइन ड्रॉ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल को लिख रखा है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, यानी ये ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, यस पर्सनल अकाउंट सर। पे रूल्स क्या लगते हैं? द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? यशराज, उसने तो पैसा निकाला यस है। लेकिन क्या यशराज अकाउंट डेबिट कर सकते हैं हम? आंसर इज नो। ओनर का अकाउंट सर। ओपन नहीं होता बुक्स के अंदर। जिसकी जिसका बिजनेस है उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते बुक्स के अंदर, उसके नाम से ओपन नहीं कर सकते। अकाउंट तो ओपन होगा लेकिन उसके नाम से नहीं कर सकते। तो सर, जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, और जब वो ड्राइंग्स करेगा तो बेटा ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट सर, ड्राइंग्स अकाउंट पे रूल कौन सा लग रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर, बोलो बोलो, सर, सेवंथ में। चैप्टर का नाम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम तो कैश ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और दूसरा अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ पर? अकाउंट। कैश अकाउंट, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट क्या है? 2,500। बोलो, नरेशन लिख लोगे क्या? यस क्या सर। लिखोगे नरेशन? ड्राइंग्स मेड, दैट्स ऑल, ड्राइंग्स मेड। उसके बाद अप्रैल 29 को पेड वेजेस 450 रुपीज। मैं इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन कराता हूं। मैं कहता हूं पेड वेजेस टू सुरेश 450 रुपीज। क्या एंट्री पास करेंगे बोलो? हमने सुरेश को पेमेंट किया है वेजेस का, अकाउंट डेबिट क्यों हमने सुरेश को पेमेंट किया है ना? सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों नहीं? टू कैश अकाउंट। अगर अगर सुरेश लिख देंगे वो तो अच्छा, सुरेश क्रेडिटर बन जाएगा या डेटर बन जाएगा? सुरेश अकाउंट डेबिट कर क्रेडिटर बन दोगे जाएगा तो ऐसा लगेगा ना। फोर एडिटर सर, डेबिट नहीं बेटा सुरेश अकाउंट क्रेडिट क्यों करेंगे? सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं तो सुरेश रिसीव कर रहे हैं ना, तो सुरेश अकाउंट तो डेबिट करने के लिए बोल रहा हूं मैं। सुरेश इज द रिसीवर ना, जी सर। तो डेबिट द तो रिसीवर होता है, डेबिट द गिवर थोड़ी ना होता है, डेबिट द रिसीवर होता है। एक्सपेंसेस हाँ, तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, लेकिन सुरेश अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? पर्सनल नेचर का अकाउंट है ना। तो मैं कह रहा हूं सर। अगर मैं एंट्री पास करा दूं सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 रुपीज, तो गलती क्या होगी? सुरेश क्रेडिटर नहीं बन जाएगा, सुरेश ऐसा लगेगा डेटर बन गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि इन दैट केस वन कैन फील दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज पेड अ लोन ऑफ ₹450 टू सुरेश, कि ऑर्गेनाइजेशन ने ₹450 का सुरेश को एक लोन दिया है जो कि सुरेश रिटर्न करेगा, क्योंकि वो बुक्स में कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट बैलेंस। सुरेश अकाउंट डेबिट किया ना मैंने, सर तो क्या वो सही होगा? आंसर इज नो। सर, हमने वो जो रूल्स पढ़े थे ना, स्पेशल कंसिडरेशंस, सर। बेटा सब पांडे जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, पांडे जी टाइम से आए हैं, सब क्लैप करो, आवाज आनी चाहिए क्लैपिंग की। हाँ, अदर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इशिका, पायल, सब क्लैप करेंगे। पांडे जी, क्या टाइम है ये आने का क्लास में? सर लाइट गई हुई थी, वाईफाई मतलब लाइट से नहीं चलता है हमारे यहाँ पे। तो अच्छा, कोई बात नहीं, क्लैपिंग तुम्हें शाबाशी देने के लिए तो क्लैपिंग कराई है।
कोई बात नहीं, अगर लाइट की प्रॉब्लम थी तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी और रीजन से लेट आए हो, तो भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, टाइम से आओ क्लास के अंदर। अब मुझे बताओ, 29th अप्रैल को अगर ये लिखा होता पेड वेजेस टू सुरेश, तो हम सुरेश अकाउंट डेबिट करते तो गलत हो जाता ना, हमें एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमें इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना कि भाई पेमेंट किसको किया गया है। इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स द ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन है तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट होगा, इन केस ऑफ एक्सपेंस कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और इन केस ऑफ इनकम्स कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब एक्सपेंसेस के केस में आप रिकॉग्नाइज करोगे एक्सपेंस को, यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे, आप पार्टी अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, और इन केस ऑफ इनकम्स आप इनकम्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, यानी इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना कि पार्टी नेम क्रेडिट करोगे। बोलो, बात आ रही है समझ में? ओके तो यहां पर एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 450 रुपीज। बोलो, नरेशन लिख लोगे? सर, क्या लिखोगे? पेड वेजेस या वेजेस पेड, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 30। सर, हम एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे, और मान लो 19th अप्रैल तक करने के बाद हमारा पेज भर गया, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो क्या एग्जाम में भी हमें वो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड वाला सिस्टम लगाना है क्या? नहीं बेटा, वो काम एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपको नॉलेज दे दी मैंने कि कल को मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट बनते हो और आपको मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल बुक वहां आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास जर्नल बुक अवेलेबल होगी, क्योंकि आप फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको हर पेज का टोटल लगा के नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। बोलो, क्लियर है? यस सर। यानी प्रैक्टिकल वर्क जब करोगे फील्ड में, तब वो चीज ध्यान में रखनी है। आपको एग्जाम में या घर में क्वेश्चंस करते टाइम ऐसा मत करना कि मान लो आपका किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 पेजेस में जा रहा है, तो फर्स्ट पेज के बॉटम में आप लिख रहे हो कैरी फॉरवर्ड, टोटल लगा रहे हो डेबिट और क्रेडिट कॉलम का, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जाके लिख रहे हो ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर सेकंड पेज क्या अगेन बॉटम में आप लिख रहे हो कैरी फॉरवर्ड, टोटल लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो। ये प्रैक्टिस हमें यहाँ पे नहीं करनी, ये प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे मैनुअली। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो बच्चों टैली अपने आप कर देगा, तुम्हें तो केवल एंट्री पास करनी है। टैली जैसे ही तुम एंट्री पास करोगे, टैली लेजर अकाउंट अपने आप डेवलप कर देगा, ट्रायल बैलेंस अपने आप बना देगा, इवन फाइनल अकाउंट्स भी अपने आप ही बना देगा। आपको तो केवल करेक्ट एंट्री पास करनी होती है टैली के अंदर, ठीक है? तो अप्रैल 30 को पढ़ते हैं पेड सैलरी टू गोपाल। अरे, गोपाल से हमें कोई मतलब नहीं है, सैलरी से मतलब है सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो, एंट्री समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है क्या? ट्वेल्व सर आ हंड्रेड जाते रुपीज बेटा जिस बच्चे को भी डाउट हो ना, पूछ लेना, नहीं तो ये डाउट्स ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे बाद में। सर। अभी कॉपी में जैसे पेज कंप्लीट हो गया, तो अभी तो करते हैं ना कैरी फॉरवर्ड। कोई बात नहीं बेटा, अभी कर दिया, आगे करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो समझा दिया तुम्हें। ओके सर। और वैसे अगर करते भी हो ना, तो तुम्हें एक फायदा होगा। सर, क्या फायदा होगा? तुम्हारी कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगी। अगर करते भी हो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, तो उससे फायदा क्या होगा? कैलकुलेशन पावर, कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी बढ़ेगी उससे। फिर सर, अप्रैल 30 को ही एक ट्रांजेक्शन और है, तो मुझे बताओ सर कि यहाँ पर ये क्या है? ये अगर एक्सपेंस होता ना, अगर ये एक्सपेंस होता, हालांकि 30 अप्रैल को जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो इनकम रिसीव्ड की है, अगर ये भी एक्सपेंस होता, तो मैं इन दोनों ट्रांजेक्शन को मिक्स करके एक ही ट्रांजेक्शन बना देता, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री यानी सेम डेट के ऊपर
अगर सेम नेचर की दो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और जिसमें एक अकाउंट कॉमन है, जैसे हमने सैलरी पे की, और अगर नीचे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती कमीशन पेड की, कमीशन रिसीव्ड है वैसे, अगर वो कमीशन पेड होता तो दो एक्सपेंसेस हो गए, एक तो सैलरी पेड और एक कमीशन पेड, यस और नो? यस सर। दोनों ही एक्सपेंस हैं, यानी दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं और नॉमिनल नेचर में दोनों ही एक्सपेंस हैं, और एक अकाउंट कॉमन कौन सा है? कैश अकाउंट, यस और नो? यस सर। तो उस केस के अंदर हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। सर कंपाउंड एंट्री क्या होती है, सिखाऊंगा आगे, बस अभी तो ये ध्यान रखो कि व्हेन ऑन द सेम डेट two transactions have taken place in the books of accounts in which one account is common, jisme se ek account common hai, then in such a case compound journal entry will be passed, theek hai na? Bas itna sa dhyan rakho, aage padhaunga. Abhi to ye commission received hai, agar received hai to income hai, aur salary to paid thi, wo expense tha. तो मुझे बताओ, होने को तो दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं, लेकिन एक एक्सपेंस है और एक इनकम है, तो यहां पर कंपाउंड एंट्री पास नहीं हो सकती, हमें सेपरेट एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. कमीशन रिसीव किया है तो दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश अकाउंट क्योंकि कैश आया हमारे पास, और दूसरा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. वेरी गुड. तो कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. सर हाँ बेटा बोलो. कमीशन अकाउंट तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लेकिन बेटा अगर तुमने रिसीव्ड लिख दिया ना तो तुम्हें अकाउंट का टाइटल पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि ये मेरा इनकम है. Okay, लिखने sir. को तो लिख सकते हो. देखो रेंट तुम पे भी करते हो, और अगर हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट बेसिस पे किसी को दे रखी है तो रेंट रिसीव भी करते हैं, यस और नो? Yes, चलो sir. इस बच्चे ने ये बात बोल दी तो आज मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ इस बारे में कि तुम्हें इससे क्या फायदा मिलेगा. हम रेंट पे भी करते हैं, ये जो जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे हैं इसके बेसिस पे बाद में हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. और लेजर अकाउंट टी फॉर्म का होता है, टी शेप का होता है, बताया था मैंने तुम्हें सेकेंड चैप्टर में, यस और नो? हाँ सर बताया था. yes, तो मुझे बताओ, अगर मैं केवल लिखता हूँ रेंट अकाउंट, ये तो है एक्सपेंस, और एक हमने प्रॉपर्टी रेंट बेसिस पे दे भी रखी है उसके लिए भी मैं लिखता हूँ रेंट अकाउंट, और ये है इनकम, तो उस केस में क्या होगा, अकाउंट का बैलेंस देख के आप पता कर पाओगे कि भाई कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है और कौन सा इनकम है, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट और इनकम्स होती हैं क्रेडिट. तो एक्सपेंस अकाउंट्स के होंगे डेबिट बैलेंसेस और इनकम्स अकाउंट के होंगे क्रेडिट बैलेंसेस. बोलो यस और नो? यस सर. टाइटल आपने दिया सेम, इसको भी रेंट अकाउंट दिया, इसको भी रेंट अकाउंट दिया. इन सच अ केस, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट इज अ एक्सपेंस अकाउंट एंड विच अकाउंट इज इनकम अकाउंट, यू हैव टू चेक द बैलेंस ऑफ द सेम. बट अगर हम यहां पर लिख दें रेंट पेड अकाउंट, यहां पे मैं लिख दूं रेंट रिसीव्ड अकाउंट, मुझे बताओ अब क्या बैलेंस देखने की जरूरत है, या टाइटल पढ़ के बता दोगे कि सर ये एक्सपेंस अकाउंट है और ये इनकम अकाउंट है? बोलो, टाइटल ही बता देगा ना ये एक्सपेंस है क्योंकि इसको हम पे कर रहे हैं, और ये रिसीव्ड है यानी ये इनकम है, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है. अब बुक में क्या लिख रखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें जो इजी वे रहेगा ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें वो चीजें सिखा रहा हूँ. बोलो, बात समझ में आ गई पांडे जी? यस सर. तो सेकंड क्वेश्चन का हो गया, इसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो, ये रही सारी तुम्हारी ट्रांजेक्शन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी सेकेंड क्वेश्चन में उसकी ये एंट्रीज आ गई. अगर किसी भी एंट्री की तुम्हें नरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो कि सर इसकी नरेशन क्या होगी, मैं तुम्हें बता देता हूँ. नरेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन में, हाँ बेटा भी सुन रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन दे रखी हैं उसकी समरी लिखनी है नरेशन में, दैट्स ऑल. हाँ बेटा,
कौन बच्चा बोल रहा था, क्या प्रॉब्लम है बोलो? सर वो एक बार टोटल बता दीजिए, कंफर्म कर लेते हैं। कौन सा टोटल? ये सबका जो टोटल नीचे लिखना है। हाँ टोटल लगा लो बेटा, इसमें क्या है, 15, 13, 28, 28, 10, 38, 40, 50, 50, 57, 57 और 2, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 170, 171, 180, 171, 180, 60, ₹61,950। बट टोटल क्या करा रहे हो मेरे से? सर मेरा थोड़ा कंफर्म करना था, थोड़ा गलत हो गया। अब जिनसे टोटलिंग मिस्टेक्स हो रही है ना, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अकाउंटेंसी में टोटल करना नहीं सिखाते। अकाउंटेंसी में मैं तुम्हें अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा। मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही बोला था कि मैं तुमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा, केवल एक सिंपल सी चीज डिमांड कर रहा हूँ कि आप क्या क्या कैलकुलेट करके दो मुझे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड परसेंटेज। इतनी सी, ये पांच चीजें तो डिमांड की थी मैंने तुमसे। इसके अलावा और कुछ डिमांड किया क्या मैंने आज तक? नो सर। मुझे बस ये चाहिए तुमसे, और ये स्पीडी वे में चाहिए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन पावर वीक है, अलर्ट हो जाओ बेटा। अकाउंट्स कंप्लीट कर लोगे प्रॉपर वे में, सही कर लोगे, और अगर कैलकुलेशन गलत कर दी तो वो तुम्हारी मेहनत खराब कर सकती है। तो अगर कैलकुलेशन पावर वीक है तो उसको साउंड करने की जो ट्रिक्स हैं उनको अप्लाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क करो अकाउंटेंसी में। ये मत कर देना प्रैक्टिस, ये मत कर लेना कि बुक में से यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पर आंसर देखा, अच्छा मैंने मन में बोल ली एंट्री ऐसी होगी ना। लिख के करो काम, हाथ नहीं चलेंगे एग्जाम्स में, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये प्रैक्टिस अप्लाई कर ली तो। एक साइड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरी साइड मुंह में ही मनी मन आंसर बोल रहे हैं, अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लिया बुक में से ही और हो गया क्वेश्चन। नो, यू आर इन डेंजर। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड इलस्ट्रेशन के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं उसने, यानी कौन सा अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्यों उसको डेबिट किया गया, क्यों उसको क्रेडिट किया गया, वो सब उसने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। अगर किसी भी एंट्री में अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड चालू करते हैं। बोलो, कर दूं स्टार्ट? यस सर। कुछ बच्चे तो, हाँ बेटा बोलो। सही एक्सप्लेनेशन हमें बिल्कुल लिखनी है एग्जाम में? अरे नहीं बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उन बच्चों के लिए है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, मान लो स्कूल में टीचर भी हो सकते हैं ना, किसी किसी स्कूल में बच्चों को लगता है कि हमारे मैडम या हमारे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं। या फिर जो प्राइवेट देते हैं एग्जाम्स, उनको तो सेल्फ स्टडी करनी है ना बच्चे, उनको तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। यस और नो? यस सर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरी तरह से खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, वो बुक्स में से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये एक्सप्लेनेशंस देखेंगे स्टार्टिंग के 3-4 इलस्ट्रेशंस में, और धीरे धीरे उनकी भी हैबिट डेवलप हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग के कुछ इलस्ट्रेशंस में एक्सप्लेनेशंस गिवन है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं। आओ हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। हर लेवल की क्वेरीज पूछ लिया करो, ये मत सोचा करो के क्लास में अदर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे या सर क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता, तुम अपनी परवाह करो। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। तो जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स, अगेन वही फॉर्मेट। कितने कॉलम बनाऊं, 6 बना दूं? डेट पर्टिकुलर्स ध्यान रखना, जर्नल में आता है लेजर फोलियो, और जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तब कॉलम आएगा जर्नल फोलियो, अपोजिट चलेगा।
चलो जी, ईयर है हमारा 2018 और मंथ है हमारा, महीना है मई का, मई फर्स्ट. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश अकाउंट. बिजनेस के पास कैश आया. बेटा बुक्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं हम? विशाल ब्रदर्स की मेंटेन कर रहे हैं या विशाल ब्रदर्स के बिजनेस की मेंटेन कर रहे हैं? तो विशाल ब्रदर्स के बिजनेस की. अच्छा, अगर विशाल ब्रदर्स के बिजनेस की बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फाइव लाख क्रेडिट. बोलो सही है क्या? समझ में आ गई एंट्री? समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर. नरेशन लिखूं क्या या लिख लोगे? सर बता दो, बता दो नरेशन क्या लिखेंगे. अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है ना, या बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी अच्छा लगे. और अगर मान लो किसी बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा, सर मेरे को तो नरेशन समझ में ही नहीं आती कि कैसे लिखे, कैसे उसकी समरी बनाए, तो बेटा उस केस के अंदर जो क्वेश्चन में लिखा है ना, एज इट इज लिख दो नरेशन में ही. क्या लिख रहे हैं? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. लेकिन ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम नरेशन में क्या लिखे, क्योंकि आगे जाके एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, एक ट्रांजेक्शन होगी 2 लाइन की 3 लाइन की, तो उस केस में फिर फंस जाओगे, ठीक है ना. तो समरी वैसे तो बनाना आना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो फिर टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है हमें, फिर क्वेश्चन में जो लिखा है एज इट इज समरी उठा के लिख दो. सर वो तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, तभी तो कह रहा हूं समरी बनाना सीखो. जो समझ में नहीं आ रहा पूछो क्लास के अंदर. May 2nd, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश. बोलो कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सर कैश. कैश ट्रांजेक्शन. परचेज हो रहा है तो क्या लिखूं? दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? परचेज अकाउंट एक तो इन्वॉल्व है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा. और क्योंकि कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. 50,000 and 50,000. नरेशन लिख दोगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 3rd को, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय. अब बोलो क्रेडिट या कैश? क्रेडिट. क्रेडिट, वेरी गुड. अब बेटा अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा ना, केवल वो ही आंसर करेगा. मैं देखूं तो सही कितने बच्चों को समझ में आ रहा है. पायल समझ रही है, आंसर सही आ रहे हैं. वरुण समझ रहा है, आंसर सही आ रहे हैं. अंशुल समझ रहा है, आंसर सही आ रहे हैं. अब मैं अदर स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहता हूं. लक्की कभी कभी बोलता है, इशिका कभी कभी बोलती है, डिम्पल भी कभी कभी बोलती है, और करण जी तो बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं क्लास के अंदर. तो अब मैं जिसका नाम लूंगा केवल वो ही बोलेगा, ठीक है सर. ये तो हो गया परचेज अकाउंट डेबिट. और अजय से परचेज किए हैं तो टू अजय, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. अमाउंट है 1,20,000. लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है ना, या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 4th की. हाँ भाई करण, हेलो करण, क्लास में आ जाते हो और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो. गुड्स रिटर्न टू अजय. अजय को हमने गुड्स रिटर्न किए हैं कितने अमाउंट के बताओ? 5,000 रुपीज के अजय को गुड्स रिटर्न किए हैं. अजय से हमने पहले परचेज किए थे ना,
यस और नो? यस सर। यस। तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया? यस सर, परचेज। हाँ सर, परचेज रिटर्न हो गया। अब मुझे डिंपल आप बताओ बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न को और हम किस नाम से जानते हैं? परचेज आउटवर्ड। परचेज आउटवर्ड नहीं बेटा, रिटर्न्स आउटवर्ड, नॉट परचेज आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड। यानी वो रिटर्न्स जो हम आउटसाइड भेज रहे हैं, आउटसाइड रिटर्न कर रहे हैं, यानी जो हम सप्लायर को वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। अब मुझे बताओ कि अजय को रिटर्न किया तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये बताएगी इशिका। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, अच्छा। हमने अजय से गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट बेसिस पे, तो अजय से हमने गुड्स लिए थे या कैश लिया था? अजय से हमने गुड्स लिए थे बेटा या कैश लिया था? इशिका, अजय से हमने गुड्स की डिलीवरी ली थी या कैश की डिलीवरी ली थी? गुड्स की ली थी, तो रिटर्न गुड्स कर रही हो ना, कैश थोड़ी ना रिटर्न कर रही हो, तो कैश अकाउंट क्यों बोल रही हो तुम, मुझे बताओ। दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा परचेज रिटर्न अकाउंट या बोल दो रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, और दूसरा अजय अकाउंट। अजय अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, अजय अकाउंट तो डेबिट होगा, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब रूल समझ लो कि परचेज रिटर्न अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों किया और अजय अकाउंट डेबिट क्यों किया, मुझे बताओ अजय से हमने कितने के गुड्स खरीदे थे? 1,20,000 रुपीज के। यस सर। और क्रेडिट बेसिस पे खरीदे थे, तो अजय को कितना पैसा देना था फ्यूचर में? 1,20,000 रुपए बिजनेस देगा अजय को? यस सर। अब मुझे बताओ अगर 1,20,000 रुपए के गुड्स में से अगर हमने 5,000 रुपए के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए, तो फ्यूचर में हम उसको कितना देंगे? 1,20,000 देंगे या 1,15,000 देंगे? 1,15,000 देंगे। अब हमारी लायबिलिटी टूवर्ड्स अजय रिड्यूस हो गई। लायबिलिटी रिड्यूस करनी है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करो। लायबिलिटी अकाउंट कौन सा है? अजय अकाउंट। अजय अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपीज से। अजय अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपीज से। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अजय इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, अजय अकाउंट डेबिट 5,000। हमने उसको रिटर्न किया तो रिसीवर ऑफ गुड्स कौन है? अजय है, तो अजय अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपीज से। और सर परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं। एक्सपेंसेस और कौन से? अरे परचेज अकाउंट, आपके परचेजेस डाउन हो रहे हैं क्योंकि आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। और ईयर एंड में परचेज रिटर्न अकाउंट का फिर अलग ट्रीटमेंट होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो चीज अभी बोल दी ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्रेडिट क्या होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट, नॉट परचेज अकाउंट। आप डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट मत करो, सेपरेट अकाउंट बनता है रिटर्न्स के लिए। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा लिखे रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट तो वो भी इक्वली करेक्ट है। सर नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 8th की, वो कह रहा है गुड्स सोल्ड टू राजीव। तो एक तो राजीव अकाउंट हो गया और एक सेल्स अकाउंट हो गया, बोलो सही है क्या? यस सर। तो राजीव हमारा कौन है, कस्टमर है या सप्लायर है? कस्टमर। कस्टमर है। सप्लायर कहां से हो गया? सप्लायर तो अजय था जिसने हमें गुड्स की डिलीवरी दी थी। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राजीव इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, 40,000 के गुड्स उसने रिसीव किए हैं, और सेल्स अकाउंट क्योंकि क्रेडिट होगा, क्योंकि वो हमारा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट। गुड सोल्ड टू राजीव ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है ना? ये होगी आपकी नरेशन, गुड सोल्ड टू राजीव ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 12th की,
वो कह रहा है राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, बताओ राजीव ने कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए, आंसर कौन देगा? अरे फिर बोल दिया तुमने, सॉरी मैंने तुम्हें बोला था ना मैं नाम लूंगा, वो ही आंसर करेगा। सॉरी तो राजीव ने 10% गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। राजीव को हमने सेल कितने के किए थे? 40,000 के। तो 40,000 का 10% यानी 4,000 रुपीज के गुड्स राजीव ने हमें रिटर्न किए। मुझे बताओ राजीव को हमने सेल्स किए थे ना? हाँ सर सेल्स की थी। तो जब राजीव हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिटर्न इनवर्स अकाउंट, रिटर्न ठीक है ना? तो हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्स अकाउंट डेबिट, और राजीव अकाउंट क्रेडिट कर दो। टू राजीव अकाउंट कितना? 4,000। सर सेल्स रिटर्न डेबिट की क्यों? क्योंकि हमारी रेवेन्यूज जो है वो रिड्यूस हो गई 4,000 रुपीज से, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया। और सर राजीव अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि राजीव से पहले हम लेते हैं 40,000 रुपए, अब क्योंकि 4,000 रुपए के गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए तो अब वो हमें क्लियर ओनली 36,000 ही देगा, इसलिए राजीव अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। बोलो क्लियर है क्या? सर। सर नरेशन क्या लिखेंगे सर? सर वही तो मुझे पूछना था। कौन अच्छा, गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, सर दैट्स टेन ऑल। परसेंट लिखना। अरे वो इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, ओके ठीक है? सर। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करा दी और इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड करा दी। अब अनसोल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क, इज योर सर होमवर्क। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने जो आपने कल दिया था ना अनसोल्व क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, तो मैंने हाँ तो फेयर में भी कर ले बेटा, ओके सर। ठीक है ना? तो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क, वो करो। अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, एंट्री पास नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ डिस्कस करो। एंट्री पास कर ली, नरेशन नहीं लिख पा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताओ। क्लास में बताने में प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप करो, ठीक है ना? टाइमिंग्स आपको बता रखे हैं, किस टाइम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके अलावा और किसी टाइम पे नहीं करने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा कल, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर।